हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप दोस्तों आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम 18x28 फीट के प्लॉट के लिए दो कमरों का बहुत ही खूबसूरत नक्शा डिस्कस करेंगे। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर इसमें एक मास्टर बेडरूम है, साथ में एक गेस्ट रूम भी है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों इसमें दो बेडरूम्स बनेंगे। तो एक छोटी फैमिली के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह प्लान नक्शा है, आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो दोस्तों इसकी सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, टाइम को बिना वेस्ट किए क्विकली वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्लॉट का जो साइज है वो 18x28 फीट है, 18 फीट इसकी चौड़ाई है इस डायरेक्शन में और 28 फीट दोस्तों इसकी लंबाई है। लेकिन दोस्तों आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए, टाइनी प्लॉट के लिए इसे नक्शे के लिए आइडियाज ले सकते हैं। प्लस दोस्तों इस नक्शे की सारी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वेंटिलेशन, बेडरूम्स की साइजेस और दूसरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आगे चलकर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। तो दोस्तों 18 फीट फ्रंट ईस्ट वाली साइड पर यहां पर हमारे पास एक मेन एंट्रेंस गेट है। तकरीबन 206 फीट का गेट यहाँ पर लगेगा जिससे हम घर के अंदर एंटर होंगे। तो दोस्तों गेट से अंदर आते ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा पोर्च मिल रहा है जहाँ पर आपकी बाइक्स इजीली पार्क हो सकती है, आपके स्टेयर्स भी यहीं पर बनेंगी और अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी इजीली यहाँ पर बन सकता है। दोस्तों इस जगह की चौड़ाई तकरीबन 6 फीट है जबकि 10 फीट इसकी लंबाई है। पोर्च में ही दोस्तों थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टेयर्स मिल रही हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर भी दोस्तों हम दो बेडरूम्स बनाएंगे तो उस तक जाने के लिए आपकी सेपरेट स्टेयर्स यूज होंगी बाहर पोर्च से ही। यू शेप्ड ही दोस्तों यहाँ पर इजीली आपकी स्टेयर्स बन सकती है। स्टेयर्स के दोस्तों राइट साइड पर बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर एक डोर मिलेगा, तकरीबन 3 फीट का डोर यहाँ पर बनेगा जिससे हम दोस्तों घर के अंदर एंटर होंगे। तो दोस्तों इस डोर से अंदर आते ही आपको यहाँ पर सामने एक डाइनिंग एरिया मिल रहा है जहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं, अपने पूरे घर वालों के साथ मिलकर दोस्तों आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। दोस्तों इस पूरे डाइनिंग एरिया की चौड़ाई तकरीबन 13 फीट है जबकि 8.5 फीट इसकी लंबाई है। दोस्तों डाइनिंग एरिया में बिल्कुल मेन एंट्रेंस डोर के साथ जो आपको यहाँ पर ये डोर नज़र आ रहा है, ये दोस्तों हमारा टॉयलेट / बाथरूम है। इसमें एंटर हो तो आपको तकरीबन 4 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई का दोस्तों आपको टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। दोस्तों इसमें आपके शॉवर्स, आपके टॉयलेट सीट्स और शॉवर्स वगैरह इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। प्लस दोस्तों यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए पोर्च की तरफ एक रोशनदान है ताकि इसके थ्रू टॉयलेट की स्मेल वगैरह बाहर एग्जॉस्ट हो, घर के अंदर ना फैले और रोशनी भी आती रहेगी टॉयलेट के अंदर। तो दोस्तों टॉयलेट से बाहर आएँ तो आपको बिल्कुल सामने ये जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, मेन डोर से आते ही सामने इस जगह में ये दोस्तों 2.5 फीट का डोर है हमारे किचन का। इसमें एंटर हो तो आपको तकरीबन 6 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई का आपको किचन मिलेगा। दोस्तों किचन में आप देख सकते हैं कि आपके वॉश बेसिन, आपके चूल्हे, अलमारियाँ वगैरह इजीली एडजस्ट हो सकती हैं। प्लस दोस्तों वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किचन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक विंडो दी है ताकि इसके थ्रू किचन की स्मेल और स्मोक बाहर एग्जॉस्ट हो और रोशनी भी किचन के अंदर आती रहे। दोस्तों OTS यहाँ पर होगा तकरीबन 6x3 फीट की का, उसी की तरफ से एक रोशनदान यहाँ पर इजीली लग जाएगा। तो दोस्तों इससे बाहर आएँ तो आपको किचन के डोर के बिल्कुल साथ जो डोर नज़र आ रहा है दोस्तों, ये हमारा मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पर। इसमें एंटर हो तो आपको तकरीबन 211 फीट चौड़ाई और 10.5 फीट लंबाई का आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि आपके बेड्स, आपकी अलमारियाँ, आपके ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। प्लस दोस्तों जो OTS हमने यहाँ पर 6x3 फीट का छोड़ा है, उसी की तरफ से एक विंडो यहाँ पर लग जाएगी ताकि इसके थ्रू बेडरूम के अंदर ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे, वेंटिलेशन इसकी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर। इससे बाहर आएँ तो आपको इसके डोर के बिल्कुल सामने दोस्तों यहाँ पर ये जो डोर मिल रहा है, ये हमारा सेकेंड रूम है ग्राउंड फ्लोर पर। इसको एज अ गेस्ट रूम यूज़ करेंगे / लिविंग रूम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपने सोफ़ा वगैरह सेट कर सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, अपने पूरे घर वालों के साथ बैठकर आप यहाँ पर टीवी देख सकते हैं। प्लस दोस्तों अपने गेस्ट को भी यहीं पर बिठाकर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों इस रूम की चौड़ाई तकरीबन 11 फीट है जबकि 9 फीट इसकी लंबाई है। और दोस्तों स्ट्रीट की तरफ इसमें यहाँ पर एक विंडो भी होगी ताकि इस रूम की भी वेंटिलेशन अच्छे से हो सके, ताज़ा हवा और रोशनी बेडरूम इस रूम के अंदर भी आती रहे। तो दोस्तों ये था इसके ग्राउंड फ्लोर का नक्शा। इसके फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों दो बेडरूम्स बनेंगे तो टोटल 3 बेडरूम्स होंगे इस नक्शे में। आई होप आपको ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो भी बताएं। दोस्तों मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।